90 के दशक से लेकर अब तक इस एक्ट्रेस ने अपनी शानदार अभिनय और खूबसूरती के दम पर लाखों करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बनाया हुआ है। आज ये एक्ट्रेस 52 साल की हो गई हो, लेकिन इनकी खूबसूरती और एक्टिंग में अभी भी कोई कमी नहीं आई है। इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ खूबसूरत अदाकारा तब्बू की, जिन्होंने अपनी अदायगी के दम पर न केवल हिंदी फिल्मों में राज किया है बल्कि वो साउथ फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग का दम दिखा चुकी हैं। तब्बू उन अभिनेत्रियों में शामिल हैं जिनके अभिनय से कहीं अधिक उनके निजी जीवन और उनके रिश्तों की चर्चा होती है। तब्बू का अफेयर अजय देवगन, संजय कपूर और नागार्जुन के अलावा कई शादीशुदा एक्टरों के साथ हुआ, लेकिन वह शादी के बंधन में नहीं बन सकी। और 52 साल की उम्र से अधिक हो जाने के बाद भी अभी तक वह कुंवारी हैं। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट तब्बू के निजी जीवन और उनकी जिंदगी के बारे में ऐसी जानकारियां देने जा रही हूं जिन्हें आप शायद ही जानते होंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, तब्बू बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस हैं जो अपनी फिल्मों के साथ साथ अपनी खूबसूरती से लोगों को दीवाना बना चुकी हैं। बढ़ती उम्र के साथ तब्बू की खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन 51 साल की उम्र में भी तब्बू आज तक कुंवारी हैं। आखिर आज तक उन्होंने शादी क्यों नहीं की, जबकि प्यार तो उन्हें कई बार हुआ है। लेकिन उनके अफेयर्स और शादी के बारे में जानने से पहले उनके जीवन पर डालते हैं एक नजर। 4 नवंबर 1971 में एक हैदराबादी निम्न मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में जन्मी तब्बू का असली नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी है। जब वो 3 की थी तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया था। उनके पिता ने किसी और से शादी कर ली थी और दूसरी पत्नी से उनकी 2 भी हैं। अपने माता पिता के तलाक के बाद तब्बू और फरहा अपनी माँ के साथ साथ नाना नानी के साथ रहने लगी। उनकी माँ एक टीचर थी। आपको बता दें कि तब्बू शुरू से ही अपने नाम के आगे पिता का सरनेम हाशमी नहीं लगाती थी। वो दिग्गज अदाकारा शबाना आजमी और बाबा आजमी की भतीजी हैं। अभिनेत्री फरानाज तब्बू की बड़ी बहन है। फिल्मी परिवार से होने के कारण तब्बू का रुझान बचपन से ही फिल्मों की ओर था। उन्होंने हमेशा ही लीक से हटकर किरदारों को निभाया है जो दर्शकों के दिलों तक भी पहुंचे हैं। तब्बू ने 1982 में आई फिल्म बाजार में एक छोटे से किरदार से बॉलीवुड में कदम रखा था। इसके बाद वह 1985 में आई फिल्म हम नौजवान में नजर आई। इस फिल्म में उन्होंने दिग्गज अभिनेता देवानंद की बेटी की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में महज 14 साल की उम्र में उन्होंने एक रेप पीड़िता का किरदार निभाया था। साल 1996 में तब्बू की 8 फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज की गई, जिनमें से साजन चले ससुराल और जीत को लोगों से खूब सराहना मिली। इसके अलावा फिल्म माचिस में तब्बू पंजाबी महिला की भूमिका में नजर आई। इसे भी दर्शकों ने खूब पसंद किया। पानी, पानी रे, खारे पानी। इस फिल्म के लिए उन्हें पहली बार सर्वश्रेष्ठ अदाकारा का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। 2001 में आई मधुर भंडारकर के निर्देशन में बनी फिल्म चांदनी बार के लिए उन्हें दूसरी बार राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड दिया गया। फिल्म समीक्षकों ने तो यहाँ तक कह दिया कि यह पूरी फिल्म केवल तब्बू के लिए देखी जानी चाहिए। उन्होंने साल 2007 में पहली बार मीरा नायर के निर्देशन में बनी हॉलीवुड फिल्म द नेम सेक में अभिनय किया। उनकी इस फिल्म को विदेश में खूब पसंद किया गया और यह हिट भी साबित हुई। तब्बू ने अपना कदम बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं रखा, उनका जादू मनोरंजन से जुड़ी हर भाषा में देखने को मिला। उन्होंने अंग्रेजी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी और बंगाली भाषाओं में फिल्में करके अपना जलवा दिखाया है। मीरा नायर के नाटक द नेम सेक में उनकी प्रमुख भूमिका को दुनिया भर में सराहा गया। तब्बू आज भी फिल्में कर रही हैं और वो भी धाकड़ रोल के साथ। वह आखिरी बार अजय देवगन स्टारर फिल्म दृश्यम 2 में नजर आई थी। 51 की उम्र में तब्बू आज तक कुंवारी हैं। हालांकि उनकी जिंदगी में उन्हें प्यार तो कई बार हुआ, लेकिन उन्होंने शादी किसी से नहीं की।
तबू का लंबे समय तक अजय देवगन के साथ रोमांस चला, लेकिन यह रोमांस परवान नहीं चढ़ पाया। उन्होंने आज तक शादी क्यों नहीं की, इसका जवाब उन्होंने खुद ही एक इंटरव्यू के दौरान दिया। उन्होंने बताया था कि उनकी शादी ना होने का एक बहुत बड़ा कारण अजय देवगन है। दरअसल तबू के कजिन समीर आर्या और अजय देवगन उनके पड़ोसी थे। तबू से मिलने वाले हर लड़के पर उनकी नजर रहती थी। उन्होंने बताया कि अगर कोई लड़का उनके आसपास दिखता था तो दोनों मिलकर उसकी पिटाई कर देते थे, इसीलिए उनकी शादी अब तक नहीं हो पाई। लेकिन तबू के केवल अजय देवगन के साथ ही नहीं बल्कि कई एक्टर्स के साथ अफेयर रहे। उनके जीवन का पहला अफेयर अभिनेता संजय कपूर के साथ था, जब दोनों ने फिल्म प्रेम में एक साथ अभिनय किया। इसी दौरान उन्होंने डेटिंग शुरू की, लेकिन ना जाने ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही समय बाद दोनों ने आपस में बातें करना बंद कर दी और दोनों अलग हो गए। इसके बाद तब्बू के जीवन में निर्देशक निर्माता साजिद नडियाडवाला ने कदम रखा। जब उनका अफेयर शुरू हुआ तो साजिद अपनी पत्नी दिव्या भारती के जाने का गम झेल रहे थे। तब्बू साजिद को पत्नी के गम से उबारने में मदद कर रही थी। धीरे धीरे दोनों करीब होते गए, नजदीकियां बढ़ने लगी, लेकिन दोनों ने लंबे समय तक अपने रिश्ते को छुपाए रखा। हालांकि बाद में सच्चाई सबके सामने आ गई। ये रिश्ता भी कुछ ही समय चला, फिर दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। तब्बू का सबसे चर्चित अफेयर दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार नागार्जुन के साथ रहा। शादीशुदा होते हुए नागार्जुन तब्बू पर दिल हार बैठे थे। वहीं तब्बू को भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था। नागार्जुन के साथ तब्बू का रिश्ता करीब 10 साल से अधिक समय तक चला। बताया जाता है कि जिस वक्त नागार्जुन ने तब्बू को डेट करना शुरू किया था, उस वक्त नागार्जुन का एक तलाक हो चुका था। लेकिन पहला तलाक होने के बाद नागार्जुन की जिंदगी में तब्बू की एंट्री होने से पहले ही वह अमला के साथ घर बसा चुके थे। वह दोनों ही एक दूसरे के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे थे। शादी में रहते रहते नागार्जुन के दिल में तब्बू के लिए प्यार जाग उठा और वह इस प्यार से इनकार नहीं कर पा रहे थे। वहीं तब्बू भी दो बार शादी कर चुके नागार्जुन को दिल दे बैठी थी। हालांकि इस बारे में दोनों ने कभी कुछ बयां नहीं किया, लेकिन प्यार ऐसी चीज होती है जो छुपाने से भी नहीं छुपती। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नागार्जुन से अपने रिश्ते को लेकर तब्बू काफी सीरियस थी। कहा तो यह भी जाता था कि दोनों के अफेयर की खबर नागार्जुन की पत्नी अमला को भी थी। तब्बू उनके घर भी आया जाया करती थी। कहा जाता है कि नागार्जुन और तब्बू दोनों ने करीब 10 साल तक डेट किया। दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था, लेकिन बाद में यह टूट गया क्योंकि तब्बू को समझ आ गया था कि उनके लिए नागार्जुन अपनी पत्नी को नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में उनके पीछे हट जाना ही सही है, इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं था। वैसे भी वह रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहती थी, जो कि इसमें नहीं थी। वहीं नागार्जुन भी उन्हें शादी की गारंटी नहीं दे पा रहे थे। ऐसे में इनकी लव स्टोरी अधूरी ही रह गई। अपने अफेयर्स के अलावा वह दो बार और विवादों में रह चुकी हैं। एक बार तब्बू अपनी बड़ी बहन फरहा नाज के साथ एक फिल्म की आउटस्टेशन शूटिंग के लिए गई थी। वहां पर तब्बू ने जैकी श्रॉफ पर छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए थे। और दूसरी बार वह फिर से चर्चा में तब आई जब 5 अप्रैल 2018 को फिल्म हम साथ साथ हैं के सह सितारों के साथ सैफ अली खान, नीलम, सोनाली बेंद्रे और तब्बू को वर्ष 1998 के काले हिरण शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट ने बरी कर दिया था, जिसमें सलमान खान को दोषी ठहराया गया और 5 साल की सजा सुनाई गई थी। तब्बू अभी फिल्मों में काम तो कर रही है, लेकिन वह धीरे धीरे वैरागी होती जा रही है। तो दोस्तों, आप एक्ट्रेस तब्बू के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास तब्बू से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो अवश्य साझा करें। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।